नमस्कार जी, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आप सबको लोहड़ी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नॉर्थ इंडिया में ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, पर्टिकुलरली अमंग पंजाबी फैमिलीज एंड इवन इन हरियाणा ऑल्सो। सो आप सबको ढेर शुभकामनाएं हैं जी आज के इस दिन की। ढेर सारी मूंगफली एंड रेवड़ी एंड गचक आप खा रहे होंगे। हम आपसे बहुत दूर हैं, कर्नाटका में है इस समय जी, बेंगलोर में। यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड नहीं है, लेकिन आई कैन फील द एनर्जी, आई कैन फील द सेंटिमेंट्स विच यू पीपल आर शेयरिंग ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपका स्वागत करता हूँ भारत के अपने इस चैनल में, जिसका नाम है अनअकैडमी नीट लाइव डेली। स्क्रीन पे नजर डालते हैं और देखते हैं जी कौन कौन हमारे राजा बेटा एंड राजा बेटियां हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय। वी हैव सचिन शर्मा, वी हैव युक्ता, हेलो युक्ता, वेरी रेगुलर स्टूडेंट। अनिल राजेश हुडा, अनदर रेगुलर स्टूडेंट। अनुज, वी हैव डॉली, द मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट आई शुड से। एंड वी हैव शुभजीत, वी हैव प्रांची, वी हैव अजय, वी हैव रिंकू, वी हैव सुनीता, अनुष्का, हनी, वंडरफुल जी, सचिन शर्मा, रियाजुद्दीन चिश्ती, सतेंद्र, रूपाली, आजिम, वैभव, चंद्रा, चिन्मय, श्रेया, ग्रेट जी। सो कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई बढ़िया चल रही है आपकी? हाँ जी, नीट एग्जाम में दिन कम रहते जा रहे हैं और आपकी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही होगी। चले जी, आज का दिन मंडे ट्यूसडे हमने रखा हुआ है एनिमल किंगडम के लिए, राइट? और आपको याद है वेडनेसडे को, बुधवार को हमने क्या टॉपिक शुरू किया हुआ है? बॉटनी का, लिविंग वर्ल्ड। तो वो वेडनेसडे को कंटिन्यू करेंगे आगे, राइट? मंडे ट्यूसडे को हम अपना एनिमल किंगडम का टॉपिक करते हैं। वंस अगेन जी, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। वंस अगेन नमस्कार। और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम एनिमल किंगडम का लेक्चर 11 है, जिसमें हम बोनी फिशेस एंड एम्फीबियंस के बारे में जिक्र करेंगे। एम्फीबियंस के बारे में बड़ी खूबसूरत बातें बताऊंगा और फ्रॉग का डाइसेक्शन होते हुए भी दिखाऊंगा आपको। फ्रॉग आपने डाइसेक्ट करा है कभी? शायद नहीं करा होगा, बिकॉज बहुत से स्कूल्स में बैन हो चुका है, फ्रॉग के डाइसेक्शंस नहीं होते। ग्रेजुएशन लेवल पे या जब आप आगे जाएंगे हायर क्लासेस में, तब आप जरूर करेंगे। चलिए जी, वेल, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड हजारों लाखों बच्चे जो है जी हमसे पढ़ के आज अपने मुकाम पे पहुंच चुके हैं। इंडिया की बेहतरीन टीम मेरे साथ है, आप देख सकते हैं, द मैजिशियन ऑफ केमिस्ट्री दैट इज अश्विनी त्यागी सर, नमोकॉल सर एंड आपके अपने महेंद्र बाहुबली। टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप आपके सेलफोन में होना जरूरी है, इस ऐप के जरिए आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। टेलीग्राम का ऐप जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इंटरफेस कुछ इस तरह से नजर आएगा। आपको वहां पे फोटोज, वीडियोज, फाइल्स, लिंक्स एंड वॉइस मैसेजेस हम लोग शेयर करते हैं। प्लस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लस, जो हर मायने में प्लस है, जो हर मायने में बेहतर है, जहां पे इंडिया की बेहतरीन टीम आपको क्लोजली मॉनिटर कर रही है, क्लोजली आपकी परफॉर्मेंस को देख रही है, आपको गाइड कर रही है। लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, रिवीजन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रैश कोर्स ऑन बायोलॉजी जो चल रहा है मेरा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं जी अगर आप नीट 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं। 3 महीने का ये क्रैश कोर्स है और इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी चीजें कराई जाएंगी। स्क्रीन पे आप जो देख पा रहे हैं, इसी तरीके से हम प्लस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आपको गाइड करते हैं। क्या जिक्र कर रहे थे जी हम? क्रैश कोर्स इन बायोलॉजी का। वंडरफुल जी, 277 के करीब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दैट्स रियली नाइस टू सी। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने सेलफोन में डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद प्लस वाले सेक्शन में जाइएगा। इस सेक्शन में जाने के बाद नीट कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा। नीट कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन, ठीक है? सब्सक्रिप्शन जब आपको लेना है बेटा, अगर आप नीट 2020 के लिए कर रहे हैं तो 3 months का आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 3 महीने का कॉस्ट आपको पड़ रहा है 15,000। लेकिन अगर आप मेरे नाम का कोड यूज करते हैं सचिन लाइव, तो आपको फीस में डिस्काउंट मिलेगा, 10% डिस्काउंट है फीस में, और आप हमारे सारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ मेरी क्लासेस नहीं, सभी नीट एजुकेटर्स की, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, सब कुछ। ये तो एक चाबी है जो आपको मिल जाएगी सारे दरवाजे खोलने के लिए, राइट मेरे राजा बेटा? ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे एक बार नजर जरूर डालूंगा मैं। डॉली शेयर कर रही है मेरे नाम का कोड सचिन लाइव, थैंक यू डॉली। बिलाल अहमद, हार्दिक, ओमराज, नैन्सी, संदीप, युक्ता, ऋषिकेश, अनुष्का, आदित्य, सार्थक, संदीप, रंजनी, अभिषेक, रजनी चोपड़ा, पुनीता, अजीत, ऋषिकेश, तौसीफ, राहुल, वंडरफुल। चलो आगे बढ़ते हैं। प्यारी सी क्वोटेशन,
To be in the top 1%, you have to be willing to do what the other 99% are not. कितनी प्यारी सी बात है. यदि आप चाहते हैं कि आप प्रथम श्रेणी में हो, आप उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में हो जिन्हें हम टॉप 100 कह देते हैं. बहुत बड़ी बात होती है नीट में टॉप 100 रैंक लेकर के आना, है ना. टॉप 10 तो उससे भी बड़ी बात हो जाती है. सो यदि आप चाहते हैं कि आप उस मुकाम पे हो, तो आपको वो करना होगा जो बाकी के 99% लोग नहीं कर रहे हैं. और वो क्या नहीं कर रहे हैं? वो सिंसियरली डेडिकेटेड तरीके से कॉन्शियस होकर के इस एग्जाम की तैयारी शायद नहीं कर रहे हैं. सो मैं आप सबसे ही उम्मीद करता हूं, आप सबके लिए ढेरों दुआएं भी देता हूं कि आप इस एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्म कर पाएं. गुड विशेस है मेरी आपके साथ. बिकॉज जैसे जैसे समय कम होगा बेटा, आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा, आपको परेशानियां भी होंगी. कई बार इंसान महसूस करता है कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हमें. रास्ता हम दिखाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए. और प्लीज यकीन रखिए, कंप्लीट किया जाएगा सिलेबस यूट्यूब पे, राइट. चलिए, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ऑस्ट्रिच थाइस. पिछली क्लास में हमने कॉन्ड्रिच थाइस, कार्टिलेजिनस फिशेस पढ़ी थी. आज हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रिच थाइस, यानी बोनी फिशेस. कहते हैं ना, मछली जल की रानी है जी. आज आपको ऐसी मछलियां भी दिखाएंगे जो हवा में भी उड़ सकती हैं. सुना है आपने नाम ऐसी फिशेस का. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, फिश एंड फिशेज, फिश वर्ड का ना प्लूरल जो है वो स्कूल ऑफ फिश होता है. जब आप फिशेज कहते हैं, दैट रेफर्स टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश. Agreed? When you say fishes, that refers to different species of fish. Right? More than 300 students live right now. Wonderful. Chaliye ji. सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटेट समझ लेते हैं. आसान सी बात है भाई, आप जानते हैं मछलियां जो है वो पानी में ही मिलेंगी. कार्टिलेजिनस फिशेस मैरीन वाटर में होती हैं. बोनी फिशेस जो है वो दोनों तरह की हैं भाई. मैरीन वाटर में भी हैं, समंदर के पानी में भी हैं, फ्रेश वाटर में भी हैं, नदियों तालाबों में भी पाई जाती हैं, ब्रैकिश वाटर में भी हैं, ठंडे पानी में भी हैं, थोड़े गर्म पानी में भी हैं. हर तरह के पानी में मछलियां आपको मिल जाएंगी. बोनी फिशेस, सो दे आर इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाटर, राइट. Many species have protective spines on the dorsal fins, right? आगे देखेंगे, अभी हम fins का जिक्र भी करेंगे. Some fishes can change their colors also, and surprisingly, some can leave water and crawl on land also. Lung fishes का जिक्र करेंगे अभी. बिल्कुल मडी एरिया में जहां पे मिट्टी कीचड़ पानी बिल्कुल सूख गया तालाब में, वहां भी है कुछ मछलियां जो रह लेती हैं. अभी देखेंगे उनके बारे में. These are reared in aquarium in the houses. जिन लोगों को घर में aquarium रखने का शौक है, उन्हें पता होगा aquarium में रखने वाली मछलियां भी होती हैं. अब आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे क्या चल रहा है समय स्लाइड पे. हैरानी की बात, उड़ने वाली मछली, क्या ये वाकई में ही उड़ती हैं? या सिर्फ हमने एक फॉल्स नाम दे दिया है उड़ने वाली मछली. प्यारी लग रही है ये स्लाइड, तो आपके प्यारे प्यारे लाइक्स जो है वो साथ के साथ आते रहने चाहिए. विनोद भला जी एम्फोलिया ऑफ लोरेंजिनी का जिक्र कर रहे हैं. बिल्कुल बताएं जी कि आपको इसके बारे में. नरेंद्र कुमार, राजा राम, सुनाम, आदित्य, नरेंद्र, अनुष्का, सर्वेश, मायरा, नैन्सी, तौसीफ, सर्वेश, बाबू तुलसी, आजिम, युक्ता. हां जी, मैं आपको क्या दिखा रहा हूं मेरे बच्चे यहां पे. एक्सोसीटस, हैव यू हर्ड ऑफ दिस फ्लाइंग फिश. एक्चुअल में ना ऐसे उड़ नहीं रही ये बर्ड की तरह, ये पानी में से निकल के तेजी से लंबी छलांग लगा के ग्लाइड कर जाती है हवा में, काफी दूर तक ग्लाइड करके जो जाके नीचे गिरती है. सो दूर से देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये उड़ने वाली मछली है. चलिए तापमान का जिकर करते हैं. मछलियां जो हैं, जो फिशेस हैं, चाहे कार्टिलेजिनस हो चाहे बोनी हो, वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं. जब आप पोइकिलो थर्मल कहते हैं ना राजा बेटा, तो इसका मतलब है कोल्ड ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड जानवरों को एक्टोथर्मल भी कहते हैं. इसका मतलब हुआ कि इनके शरीर का तापमान कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्चुएट करता है. जैसा आसपास का माहौल होगा शरीर का तापमान वैसा ही हो जाता है. आप जानते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल ग्रुप्स कौन से हैं? चलिए मेरा सवाल है आपसे, वार्म ब्लडेड एनिमल ग्रुप्स कौन से हैं? तब तक मैं आगे की स्लाइड कर देता हूं. जल्दी से बताइए कौन से एनिमल ग्रुप्स हैं जो कि वार्म ब्लडेड है, होमियोथर्मल है, एंडोथर्मल है, जिनमें शरीर का तापमान कॉन्स्टेंट रहता है. बताइए जी जल्दी से. अभिषेक पाल, बाबू तुलसी, संदीप, पुनीता, राजेश, वंशिका, मोनीश, वैभवी, जिफ्रा, सुमन, आदित्य. जल्दी से जवाब आना चाहिए जी. सलाम कर रहे हैं हसनैन अली, सलाम जी, गॉड ब्लेस यू. बताइए, बर्ड्स एंड मैमल, जयंत ने सही जवाब दिया. अनुपम ने भी कहा है ममेलिया एंड एव्स. वंडरफुल, करेक्ट आंसर, दैट्स ग्रेट.
385 से ज्यादा लोग हैं, जल्दी से 400 कीजिए, ऐसे मजा आएगा, ज्यादा लोग होंगे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं जी, आप जान गए कि बर्ड्स एंड मैमल्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल ग्रुप्स हैं। मछलियों के केस में, बोनी फिशेस के केस में शरीर जो है वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है। बॉडी इज ऑफन स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड क्यों है? पानी में तैरना है टू कट द रेजिस्टेंस ऑफ द वॉटर। स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल एक ऐसी चीज होती है भाई जो किनारों से पतली और बीच में से मोटी, उसे स्पिंडल कह देते हैं। कई बच्चों ने ये भी मैसेजेस करें कि सर जहां कहीं अंग्रेजी के कुछ टिपिकल शब्द आएंगे आप हमें उनका अर्थ जरूर बता दीजिएगा। सो बॉडी स्पिंडल शेप टू फैसिलिटेट मूवमेंट थ्रू वॉटर। मछली का शरीर जो है वो कितने हिस्सों में विभाजित है? देर इज हेड, देर इज ट्रंक एंड देर इज टेल। गर्दन नहीं होती जी, नेक नहीं होती, बहुत से एम्फीबियंस में भी नेक नहीं होती। नाउ यहां पे देख लीजिए कि माउथ की पोजीशन ना थोड़ी सी डिफरेंट है। कार्टिलेजिनस फिशेज में माउथ याद है? वेंट्रल था, नीचे की तरफ, शार्क का मुंह नीचे की तरफ होता है। बोनी फिशेज में माउथ जो है वो सामने है, टर्मिनल है, एंटीरियर है। क्लियर? राइट, मोर देन 400 पीपल, वंडरफुल। चले जी आगे बढ़े। राइट, अनित्रा दास घोष कह रहे हैं जी आपके साथ प्लस पे मिलेंगे अब पक्का, डेफिनेटली मुझे इंतजार रहेगा प्लस पे, तो आपको इतना बेहतरीन मजा आएगा ना, एकदम आमने सामने ऐसे बात होती है यार। यहां तो कितने मैसेजेस आप करते हो, ध्यान नहीं जा पाता उस पर, एक एक मैसेज का जवाब नहीं दे सकते, प्लस पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एक सिंगल मैसेज आपका रिप्लाई होगा, आपके दुख दर्द कष्ट सारे जो है वहां पे आकर के कट जाएंगे। चलो राजा बेटा, अपेंडिजेस का जिक्र करते हैं। मछलियों के कितने फिन्स हैं भाई, कितने पंख हैं? फिन्स आर सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस और द बोनी फिन रेज। पेक्टोरल फिन है, पेल्विक फिन है, जो कि बैलेंसर का काम करते हैं और ब्रेक्स का काम भी करते हैं। आपको याद है हमने कार्टिलेजिनस फिशेस में पढ़ा था कि भाई उन्हें लगातार तैरते रहना पड़ता है क्योंकि उनमें स्विम ब्लैडर, एयर ब्लैडर नहीं होता। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, एयर ब्लैडर जो है हवा भर लेती है उसमें और बॉयंसी देता है वो शरीर को। पेल्विक फिन लैक्स क्लैस्पर्स। कार्टिलेजिनस फिशेस में हमने क्लैस्पर्स पढ़े थे, क्लैस्पर इंपॉर्टेंट है, याद है क्लैस्पर का फंक्शन क्या था? कॉपुलेशन में, इन होल्डिंग द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो ये रही इनकी अपेंडेजेस। राइट जी, हार्दिक सचदेवा, सुमन, मोनीश, अमिता, रूही, भूमित, ओमकार। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देर इज अ सिंगल डॉर्सल फिन। कॉडल फिन इज सिमेट्रिकल। द टेल हेल्प्स टू प्रोपेल द फिश बाय द लेटरल मूवमेंट एंड द पेयर्ड फिन्स प्रोवाइड फाइन कंट्रोल। सो इनमें पेक्टोरल फिन है, पेल्विक फिन है, देर इज अ सिंगल डॉर्सल फिन ऑल्सो एंड देर इज अ कॉडल फिन जो टेल पे है, दैट्स कॉल्ड कॉडल फिन। आगे बढ़ते हैं जी। नाउ चमड़ी की बात करते हैं, स्किन की बात करते हैं। आप एक सादी सी बात समझिए, सिंपल सी बच्चे, जो जानवर पानी में रह रहा है ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसके शरीर में लगातार या तो पानी घुस सकता है या उसके शरीर में से पानी बाहर निकल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि एनिमल मरीन वाटर में है या फ्रेश वाटर में। ऑस्मो रेगुलेशन की समस्या का सामना सभी जानवरों को करना पड़ता है। यदि कोई जानवर फ्रेश वाटर में है तो उसकी समस्या है कि बाहर का पानी लगातार उसके शरीर में घुस रहा है, पानी से वो ओवरफ्लोट हो जाएगा और फट भी सकता है और मर भी सकता है। लेकिन उस जानवर के पास भी कंट्रोल होता है, ऐसा नहीं होता है ना। जो मैरीन वाटर में रहता है उसकी भी अपनी समस्या है भाई। उसकी समस्या क्या है कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है, मैरीन मतलब सॉल्ट वाटर, सी वाटर, नमक ज्यादा है उसमें, उसके अपने शरीर के पानी की कंसंट्रेशन, जो लिक्विड है उसकी कंसंट्रेशन बाहर के मुकाबले कम है, तो उसके शरीर से पानी निकल के बाहर जाएगा। जो मैरीन वाटर वाला है वो डिहाइड्रेट हो रहा है, जो फ्रेश वाटर वाला है वो हाइपर हाइड्रेट हो रहा है, पानी का मूवमेंट उल्टा है। समझ गए ना आप ये बात? अगर कोई जानवर फ्रेश वाटर में, चाहे कोई मछली है, तो भाई उसकी समस्या ये है कि आसपास का पानी लगातार उसके शरीर में घुस रहा है, और अगर कोई मरीन वाटर में है उसके शरीर का पानी बाहर निकल रहा है, वो डिहाइड्रेट हो रहा है। सो एनिमल को अपने स्किन को ऐसा बनाना पड़ेगा कि भाई वो पानी की एंट्री को इतनी आसानी से अलाउ ना करे। ये काम कौन करेगा? ये काम करते हैं स्केल्स मछलियों में, राइट? ऑस्मो रेगुलेशन की समस्या का समाधान। द स्केल्स आर इम्परमिएबल टू वॉटर। स्केल्स यहां पे अलग अलग तरह के होते हैं, देखिए उनकी शेप के आधार पे। व्हाट दे डू? दे रिड्यूस द वॉटर लॉस इन मैरीन एनवायरमेंट एंड एंट्री ऑफ वॉटर इन द फ्रेश वॉटर एनवायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन कि मछली फ्रेश वॉटर में है या मछली मैरीन वॉटर में है। शरीर के अंदर पानी को आने से रोकना है या शरीर से बाहर जाने को पानी को रोकना है, दोनों केसेस में स्केल्स जो है मददगार साबित होते हैं। क्लियर है जी? स्केल्स साइक्लॉयड, टीनॉयड, गैनॉयड अलग अलग तरह के हैं। इनकी डिटेल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि स्केल का ये डेवलपमेंट और इन स्केल्स का शेप किस तरह का है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। राइट, बाबूश्यान कह रहे हैं क्लियर है जी। अभिमन्यु, संतोष, खुशी, जिफ्रा, रीतमपाल,
मायरा मलिक, सुमन, निधि, वंडरफुल जी, तौसीफ, क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं जी। मछली के स्केलेटन की बात कर रहे हैं हम, ऑस्ट्रिच थाइज पढ़ रहे हैं ना, बोनी फिशेस, तो नाम से समझ आ रहा है कि एंडोस्केलेटन जो है बोनी है इनका। सो इट्स पार्टली और कंप्लीटली बोनी, हेंस द नेम ऑफ द क्लास। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास? ऑस्ट्रिच थाइज। ऑस्ट्रिच रेफर्स टू बोन्स। आगे बढ़े, डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा है, देखो ये कितनी खतरनाक सी लग रही है मछली, ये इतनी छोटी छोटी ढेर सारी मछलियों को एक साथ ही खा गई है, देखा आपने। सो मछलियां जो है जी जननी मुख्य रूप से कार्निवोरस होती हैं। माउथ जो है, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, माउथ इज टर्मिनल, है ना, कुछ इस तरह से मुंह इनका ऐसे टर्मिनल है, क्लियर, बिल्कुल आगे की तरफ है, राइट। एलिमेंट्री कैनाल ओपन्स आउट बाय एनस एंड द क्लोइका इज एब्सेंट। इंटेस्टाइन इज लॉन्ग एंड इट लैक्स अ स्क्रॉल वेल्व। स्क्रॉल वेल्व याद कीजिए या स्पाइरल वेल्व, मैंने बताया था कार्टिलेजिनस फिशेस में इंटेस्टाइन में होता है टू इंक्रीज द एब्सॉर्प्टिव सरफेस एरिया। कई जानवरों में ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं एब्सॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाने वाले। अर्थवर्म के केस में हम टिफ्लोसोल पढ़ेंगे जो इंटेस्टाइन में होता है। यहां पे कार्टिलेजिनस फिशेस में स्क्रॉल वेल्व होता है, बोनी फिशेस का जिक्र कर रहे थे तो इट लैक्स अ स्क्रॉल वेल्व, ध्यान रखिएगा ये चीज। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तो सिंपल सी बात है कि भाई मछलियां पानी में, पानी में जो है गिल्स की मदद से ही सांस लिया जाएगा, राइट। सो यहां पे गिल्स किस प्रकार की हैं देखते हैं। और जब कोई एनिमल गिल्स के थ्रू गैस एक्सचेंज करता है बच्चे, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? दैट इज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। गिल्स के थ्रू जो जानवर सांस लेते हैं दैट इज ब्रैंकियल, और जब लंग्स के थ्रू लेते हैं दैट इज पल्मोनरी। स्किन के थ्रू लेते हैं तो क्या टर्म यूज होता है, चलिए बताइए। 408 के करीब बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दैट्स वंडरफुल। हां जी बताइए, ध्रुव कह रहे हैं जी मछली जल की रानी है, डेफिनेटली। अभिजीता बताइए, व्हेन एन एनिमल ब्रीड्स थ्रू स्किन तो क्या टर्म यूज करते हैं? नैन्सी ने कहा है कि मैंने स्कूल में स्कॉलिडॉन का डिसेक्शन करा है, दैट्स ग्रेट। तानिया अल्फाज, अल्फाज आपका नाम बहुत खूबसूरत है, ये हमेशा कहता हूं मैं आपको, और आप खुश भी होते हैं इस बात पे, YouTube पे आप कमेंट भी देते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बाबू ने जवाब दिया है, युक्ता ने भी सही जवाब दिया है, हिमांशु गुप्ता का जवाब सही है, वंडरफुल। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बाबू योर आंसर इज आल्सो करेक्ट, श्रेया यू आर आल्सो राइट, मनीष, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है जब कोई जानवर स्किन के थ्रू ब्रीद करता है ना, फ्रॉग के केस में देखेंगे भी। यहां पे क्या है जी, मछलियों के केस में गिल्स होते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। इट कंसिस्ट ऑफ फोर पेयर्स ऑफ फिलामेंटस गिल्स, यहां पे गिल्स है जो कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। गिल स्लिट्स आर कवर्ड बाय, दिस इज इंपॉर्टेंट, बोनी फिशेस में ऑपरक्यूलम प्रेजेंट है। सम बोनी फिशेस हैव एक्सेसरी एयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स आल्सो, अभी हम उन एक्सेसरी एयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स का जिक्र करेंगे। सो गिल्स के जरिए जो है सांस ले रही है मछलियों का हार्ट जो है वेनस हार्ट होता है, आप जानते हैं एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, हार्ट केवल डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है गिल्स की तरफ। गिल्स का काम होता है ब्लड को ऑक्सीजनेट करके शरीर के सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाना। स्विम ब्लैडर का जिक्र कर लें जी यहां पर, एयर ब्लैडर भी कहते हैं जिससे, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। गैस फिल्ड स्विम ब्लैडर और द एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, एयर ब्लैडर के अंदर जो हवा है वो ना उसका प्रेशर चेंज कर लेते हैं। बाय ऑल्टरिंग द गैस प्रेशर इन द स्विम ब्लैडर इट एक्ट्स एज अ बॉयंसी रेगुलेटर, बॉयंट बनाता है, पानी में ऊपर रहना है नीचे जाना है, सो उस गैस ब्लैडर के अंदर जो है गैस के प्रेशर को ये जानवर रेगुलेट कर लेते हैं। इट एनेबल्स द फिश टू स्टे एट अ पर्टिकुलर डेप्थ। In some bony fishes, swim bladder is used as lung for breathing air. आप देख पा रहे हैं यहां पे swim bladder, right? This structure is the swim bladder. Fish का आपको internal anatomy दिखाई गई है, अंदर के organs दिखाए गए हैं। Clear है मेरे राजा बेटा? 426 people, that's really wonderful. खुशी, सुमन, शानू, नैन्सी, जयंत, नीमा, राजा राम, तौसीफ, राजेश रोशन, राजेश हुडा, अंकित, विकी, वंडरफुल, वंशिका, ऋषिकेश। चलो आगे बढ़ते हैं, सारे पॉइंट्स कोशिश करिए साथ साथ याद हो जाएं। आप ना एक काम करना, एक टेबुलर फॉर्म में कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस के डिफरेंसेस कॉपी में लिख लीजिएगा, वो ज्यादा आसान होगा, है ना, कि इनमें कार्टिलेजिनस स्केलेटन है, बोनी स्केलेटन है, ऑपरक्यूलम प्रेजेंट है, ऑपरक्यूलम एब्सेंट है, स्क्रॉल वेल्व है कि नहीं है, गिल्स किस तरह की है, फर्टिलाइजेशन किस तरह का है, मेरीन कौन सी है, फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन कौन सी है। वो जब आप कंपैरेटिव वे में लिख लोगे ना कार्टिलेजिनस और बोनी का, वो ज्यादा आसान रहेगा याद रखना, ठीक है।
हार्ट जो है मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया बच्चे टू चैम्बर्ड हार्ट है और इस तरह के टू चैम्बर्ड हार्ट को फिशेज में वेनस हार्ट कहते हैं. इट पंप्स ओनली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये एडिशनल हार्ट चैम्बर्स हैं साइनस विनोसिस कोनस आर्टेरियोसिस. इन एडिशनल हार्ट चैम्बर्स को आपको डिटेल में बताऊंगा जब हम फ्रॉग की एनाटॉमी पढ़ेंगे. आई विल बी डिस्कसिंग कॉकरोच ऑल्सो विद यू फ्रॉग ऑल्सो एज वेल एज अर्थवर्म. एनसीईआरटी में दे हुए रीनल पोर्टल सिस्टम इन जानवरों में होता है. आरबीसी ओवल है और आरबीसी में न्यूक्लियस भी है. नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी आप जानते हैं मैमल्स में होते हैं. मैमल्स के आरबीसी बड़े ही खास हैं ऑक्सीजन कैरी करने के लिए. वो बड़े अच्छे तरीके से जो है एडजस्टेड है. हाँ जी बड़े आगे राइट. तो इसमें से याद रखने वाली बात क्या है वेनस हार्ट. रीनल पोर्टल सिस्टम उन जानवरों में होता है जिनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता. रीनल पोर्टल सिस्टम क्या है शरीर के नीचे के बॉडी हिस्से से बॉडी पार्ट से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है पहले वो किडनीज को दिया जाता है कि किडनीज भाई तुम इसकी इंप्योरिटीज को निकाल दो तब जाके वो हार्ट में डाला जाता है. क्यों? क्योंकि हार्ट में अगर फोर चैम्बर्स नहीं है तो प्योर और इम्प्योर ब्लड ने मिक्स होना है तो भाई उस इंप्योर ब्लड की इंप्योरिटीज को पहले निकाल दो ना किडनी से. इसलिए इन जानवरों में रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है. जैसे जैसे एनिमल किंगडम में ऊपर हम हायर जाएंगे आप देखेंगे बर्ड्स एंड मैमल्स में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता. क्यों? क्योंकि उनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट है वहां तो ब्लड ने मिक्स होना ही नहीं है प्योर और इंप्योर ब्लड ने इसलिए राइट जी. चलिए क्रेनियल नर्व्स का जिक्र करते हैं. व्हाट आर क्रेनियल नर्व्स द नर्व्स व्हिच आर अटैच्ड टू ब्रेन. हमने पढ़ा था ह्यूमंस के केस में क्रेनियल नर्व कितने पेयर बताए थे 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. नाम याद है जी किसी को 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स बता सकते हैं जी. मुझे तो रटे हुए जी मैं एक मिनट में सुना सकता हूं आपको. मैंने आपको भी तरीका बताया था याद रखने का क्रेनियल नर्व्स का. ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्यूलो मोटर ट्रॉक्लियर ट्राइजेमिनल अब्ड्यूसेंस फेशियल ऑडिटरी ग्लॉसोफेरिंजियल वेगस स्पाइनल एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल राइट. सो ऐसे ही आपको भी याद हो जाने चाहिए. सो मछलियों में केवल 10 जोड़े क्रेनियल नर्व्स के होते हैं जी 10 पेयर्स. मैंने आपको बताया था कि जो एमनियोट्स होते हैं जिनके अंडों में जिनके एम्ब्रियो में एमनियोटिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एमनियोट्स रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स में 12 पेयर हैं. रेप्टाइल बर्ड एंड मैमल में 12 जोड़े हैं और उससे नीचे जितने भी जानवर हैं फिशेज एम्फीबियंस की बात लगा लीजिए तो 10 पेयर होते हैं. मछलियों में भी 10 पेयर हैं क्रेनियल नर्व्स के एम्फीबियंस में भी 10 पेयर हैं. Now, the ear consists of membranous labyrinth having three semicircular ducts. हमने कान का स्ट्रक्चर पढ़ लिया हुआ है. सेमीसर्कुलर कैनाल्स आप जानते हैं. लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स मछलियों में होते हैं. ये कार्टिलेजिनस फिशेस में भी बताया था. ये वाली बात इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा. एम्फीबियंस की लार्वल स्टेजेस में भी लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं. दे डिटेक्ट वाइब्रेशंस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज जेनरेटेड बाय अदर फिशेस और द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. क्लियर है राजा बेटा. एक्सक्रीटरी सिस्टम. नाउ अब हम वर्टिब्रेट्स का जिक्र कर रहे हैं. अमित कुशवाहा कह रहे हैं जी मजा आ गया है दैट्स ग्रेट. विकास थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग. हां जी इसीलिए कहते हैं ना एक बार प्लस के प्लेटफॉर्म पे आकर के देखिए आपके दिमाग के कपाट खुल जाएंगे. अब मायने ही बदल जाएंगे बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के. अनअकैडमी भारत का अपना बेहतरीन एजुकेशनल चैनल क्वालिटी एजुकेशन लेकर के आया है आप जैसे बच्चों के लिए जो वाकई ही पढ़ना चाहते हैं जो एंटरटेनमेंट नहीं चाह रहे. यहां एंटरटेन नहीं कर रहे हम आपको क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं एंड नथिंग कैन रिप्लेस द कोर क्वालिटी एजुकेशन. ये मैं हमेशा से कहता आया हूं. इवन टेक्नोलॉजी कैनॉट रिप्लेस द कोर टीचिंग बट टेक्नोलॉजी इन द हैंड्स ऑफ अ कॉम्पिटेंट टीचर इज रेवोल्यूशनरी. अनअकैडमी ने यही करा है. कॉम्पिटेंट टीचर्स को बेहतरीन टीचर्स को थ्रू आउट इंडिया से ला करके आपके सामने टेक्नोलॉजी के इस माध्यम से घर घर तक पहुंचाया है. चलो राजा बेटा आगे बढ़ते हैं जी. तनु कौशिक मायरा संदीप आदित्या अंकित गुंजन विकास मौसमी एक्सक्रीटरी सिस्टम का जिक्र करते हैं जी. एक्सक्रीशन के लिए इन जानवरों में किडनीज होती हैं पेयर ऑफ किडनीज राइट. और इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है अमोनिया. जो जानवर अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वो होते हैं अमोनोटेलिक और हमने कार्टिलेजनस फिशेज में पढ़ा था वो यूरियोटेलिक थी राइट. अमोनिया हाईली टॉक्सिक कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड. अमोनिया जो है अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा. तो जहां पे अमोनिया बनता है वहीं से वहीं रिलीज हो जाता है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिक्र करते हैं जी मछलियों का. जनरली आप मेल फीमेल मछली को देख करके इन बोनी फिशेस में इनडिस्टिंग्विशेबल है आप आसानी से पहचान नहीं सकते मेल और फीमेल अलग होते हैं. कार्टिलेजनस फिशेस में हमने देखा था फर्टिलाइजेशन इंटरनल है यहां पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है. स्पॉनिंग देख रहे हैं आप राइट जी. गैमिट्स रिलीज कर रहे हैं जी. ये एनिमल्स लार्ज अमाउंट में गैमिट रिलीज करते हैं. स्वाभाविक सी बात है जो जानवर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करेंगे उनमें लार्ज नंबर में गैमिट रिलीज होने चाहिए. क्यों?
क्योंकि कितने सारे गैमेट तो मर भी जाएंगे ना, दूसरे जानवरों का भोजन बन जाएंगे और जानवर जो आसपास होंगे वो मछली के अंडे खा जाएंगे, सादी सी बात है, राइट जी। अनुष ने ठीक कहा है, इट इज हाईली टॉक्सिक, वंडरफुल, 403 पीपल वॉचिंग, 400 लाइक्स, दैट शुड बी द स्पिरिट। अच्छा ये देखो मैं कितनी प्यारी सी स्लाइड आपके लिए बना करके लाया हूं, कितनी कलरफुल सी सुंदर सी मछलियां दिख रही हैं। आप देखना ये नीचे इन्होंने एग्स लेकर आए होंगे, कई मछलियों में ना पेरेंटल केयर भी होती है, जहां पे अंडे लेकर देंगे ना अपने अंडों का ध्यान भी रखती हैं। पेरेंटल केयर एम्फीबिया में भी होता है, पेरेंटल केयर रेप्टाइल्स में भी है, बर्ड्स भी अपने अंडों की देखभाल करते हैं, और भाई मैमल्स में तो है ही है पेरेंटल केयर, मैमल्स में तो बल्कि सबसे ज्यादा है। मैमल्स का दिमाग देखो इतना ज्यादा डेवलप हो गया और बच्चों की केयर उतनी ज्यादा करने लग गए हैं बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में। आप देखेंगे मैमेलिया में पेरेंटल केयर काफी ज्यादा है। चलो देखो इधर, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, मोस्ट आर ओवीपैरस, ओवीपैरस मतलब जो जानवर अंडे देते हैं। लार्वल फॉर्म प्रेजेंट हो भी सकती है, फिंगरलिंग्स होते हैं छोटे छोटे लार्वे, पेरेंटल केयर करती हैं कई मछलियां जी, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, एग्जाम्पल्स, अब देखो बड़ी सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स लाए हूं आपको। मैंने बोला था ना कि जो ये बोनी फिशेज हैं, फ्रेश वाटर भी होती है और मेरीन भी होती हैं। फ्रेश वाटर स्पीशीज में देखो आपको क्या क्या नाम याद रख लें, एनसीईआरटी में नाम दिए हुए, लेबियो रोहिता रोहू, लेबियो कालबासु, कालबासु ही कहते हैं, कटला कटला, सिंपल कटला याद रख लेना, जो लोग मछली खाते हैं उनको पता होगा रोहू के बारे में, कटला के बारे में। और यहां पे देखिए कितनी खूबसूरत सी चीज बनाई है नेचर ने, सी हॉर्स, घोड़े जैसा मुंह लग रहा है, और देखो ये ना ऐसे वर्टिकल तैर रहा है, ये इसके स्विम करने की वो शेप देखो, और आप देख रहे हैं वो छोटे छोटे बेबीज रिलीज हो रहे हैं। मेल हिप्पोकैम्पस जो है, मेल सी हॉर्स जो है, वो फर्टिलाइज्ड एग्स को अपने ब्रूड पाउच में कैरी करता है और उसमें से यंग वंस निकलते हैं, और आप देख रहे हैं कितने सैकड़ों की तादाद में ये यंग वंस जो है वो निकल रहे हैं यहां से। क्रैश कोर्स में भी बहुत मजा आता है जी, बच्चे कह रहे हैं, थैंक यू सो मच जी। हार्दिक अभिमन्यु, पुनीता, मयंक, श्वेता, मोनीश, तौसीफ, ऑलवेज रॉक के नाम से भी आईडी जी, वंडरफुल। वंशिका ने कटला कटला ठीक कहा है जी। मायरा आपने सही पहचाना है, इट इज हिप्पोकैम्पस। शानू, तौसीफ, खुशी, हार्दिक, राइट जी, हिप्पोकैम्पस देख पा रहे, ये उसके छोटे छोटे बेबीज दिख रहे हैं आपको जो निकल रहे हैं उसमें से, यंग वंस। सो मैरीन में याद रखना है एक्सोसीटस, एक्सोसीटस एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है, एक्सोसीटस इज फ्लाइंग फिश, मैंने शुरुआत में ही फ्लाइंग फिश आपको दिखा दी थी, वो उड़ने वाली मछली। हार्पोडॉन, दैट इज बॉम्बे डक, बॉम्बे डक नाम है पर ये बतख नहीं है, ये ध्यान रखना, ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। हार्पोडॉन मछली है लेकिन कॉमन नेम बॉम्बे डक है। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट माई राजा बेटा, 424 पीपल, दैट्स वंडरफुल। चलो आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी में ये नाम भी दिया होगा, बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम एंजल फिश। सो ये आपके लिए ढूंढ के लाया हूं, जिनमें फाइटिंग फिश लड़ाई करती है, ये बड़ी खूबसूरत सी होती है, एक्वेरियम में रखी जाती हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने घर में एक्वेरियम में पाली भी होंगी ये मछलियां, राइट जी। सो इसके साथ ही हमारा बोनी फिशेस यानी ऑस्टिच थाइस जो है वो खत्म हुआ, और अब हम जल्दी से पढ़ने जा रहे हैं एम्फीबिया के बारे में, और आपको जान के खुशी होगी कि फ्रॉग के भी इतने बेहतरीन स्लाइड्स लेके आया हूं ना, सच में आपको मजा आने वाला है आज फ्रॉग को देख करके। फ्रॉग तो वैसे ही जो है बड़ा क्यूट सा होता है। चलो ये देखो, आपको दिख पा रहा है ये क्या है भाई, ये थोड़ी डरावनी सी चीज लग रही है, ये जरा देखो गौर से। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, ऐसी मछलियां भी होती हैं जो तालाब का पानी पूरी तरह से सूख जाए तब भी वो जिंदा रह लेती हैं। देखो नेचर ने, उस परमात्मा ने कितने अजीब किस्म के भी जानवर बनाए हुए हैं। जिस मछली को आप जल की रानी कह रहे थे भाई, वो तो कीचड़ में भी जिंदा रह लेती हैं। सो इनको कहते हैं राजा बेटा डिप्नॉय लंग फिशेस। अच्छा आपको जानकर हैरानी होगी, इस डिप्नॉय को ना अंकल ऑफ एम्फीबिया भी कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि भाई जो एम्फीबियंस हैं उनका ओरिजिन इन लंग फिशेस से हुआ है, क्लियर है जी। एम्फीबियंस पहले ऐसे वर्टिब्रेट जानवर हैं जो जमीन पे आए पानी में से निकल के। खैर जिक्र कर रहे हैं हम लंग फिशेस का, और आप देख पा रहे हैं लंग फिशेस में ये तीनों एग्जांपल्स याद रखना, दीज आर इंपॉर्टेंट। इवोल्यूशन में भी बताया था जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स पढ़ा था, तीन लंग फिशेज याद रखनी है, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसायरन, नियोसिराटोडस, एक सिराटोडस भी होती है। सो आप ये तीन याद रख लेंगे, याद रहेंगी, बताइए मुझे जल्दी से। बरखा, आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट द नेम्स ऑफ दीज थ्री फिशेज, जल्दी से मुझे कमेंट्स में नाम आने चाहिए अभी के अभी। 437 पीपल वॉचिंग, 438 लाइक्स, वंडरफुल। जल्दी से मुझे लंग फिशेज के नाम लिख के भेजो, आज चाहे मुझे ज्यादा लंबी क्लास खींचनी पड़े, मैं आज कंप्लीट करा के छोड़ूंगा ये चीज। आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट द नेम्स ऑफ द लंग फिशेज, अनुराग, तौसीफ, अनिल, डिप्लॉय लिखा है आपने, अंकल ऑफ अम्फीबिया, वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा है जी। हाँ जी बताइए जल्दी से।
मौसमी तौसीफ संदीप युक्ता विजय श्यान लेपिडोसायरन वंशिका ने लिखा है, प्रोटोप्टेरस अभिषेक ने लिख के भेजा है, अनुष ग्रेट, युवराज सही लिखा है जी आपने, ग्रेट। सो लंग फिशेस आपको याद हो जानी चाहिए, प्रोटोप्टेरस लेपिडोसायरन नियोसेराटोडस, तीन ही तो हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, आपके ब्रेन की बहुत जबरदस्त कैपेसिटी है। जिफ्रा कनीज मौसमी आरिहंत अनिकेत कुमारी जया मयंक चांदनी अनीता दिव्यांशु हिमांशु, वंडरफुल, सबने सही लिखा है। चलो अब आगे, नाउ अब इधर देखो, एक कितनी क्यूट सी स्लाइड है, आपको दिख रही कितनी प्यारी एनिमेशन, देखिए जी एल लटक गए फ्रॉक दोनों, गिर गए गए नहीं गिरे देखते हैं, गिर गए मजेदार है ना। नाउ एम्फीबिया, एम्फीबिया वर्ड का मतलब होता है ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ, दोहरी जिंदगी जीते हैं जानवर। ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ से क्या मतलब राजा बेटा, देखो इधर जो एम्फीबियंस होते हैं ना, पानी में भी रह लेते हैं जमीन में भी रह लेते हैं। प्रकृति ने इतनी खास इनकी बनावट रची है कि भाई जमीन में भी रहने के काबिल बनाया है और पानी में रहने के काबिल भी बनाया है। बड़ा क्यूट सा फ्रॉग है एंड आई होप फ्रॉग तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा। चलो पढ़े एम्फीबियंस के बारे में, डरावना तो नहीं लग रहा थोड़ा सा आपको? फ्रॉग एंड टोड में डिफरेंस पता है? आई एम श्योर आपने देखे तो होंगे पर शायद आपको पता नहीं होगा, ये टोड होता है और ये फ्रॉग होता है। मैं आपको दोनों में डिफरेंस भी समझाऊंगा आज। सबने सही लिख दिया, मैंने देख लिया स्क्रीन पे जी, आपके प्यारे प्यारे लाइक्स और थम्स अप भी आ रहे हैं। एम्फीबिया शब्द का मतलब क्या मेरे राजा बेटा? ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ, दोहरी जिंदगी, जमीन में भी पानी में भी। दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। अभी तक हमने जितने जानवर पढ़े हैं स्टार्ट करके देख लीजिए भैया, हमने फाइलम पॉरीफेरा से कहानी शुरू करी थी। फाइलम पॉरीफेरा निडेरिया प्लेटीहेल्मिंथस एशेल्मिंथस एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइलोडर्मेटा हेमिकॉर्डाटा यूरोकॉर्डाटा सिफेलोकॉर्डाटा साइक्लोस्टोमेटा। देन उसके बाद हमने पढ़ी थी कार्टिलेजिनस फिशेस बोनी फिशेस और अब आगे एम्फीबियंस तक। कोई जानवर आपको ऐसा मिला था अभी तक जो सूखी जमीन पर भी रह ले, ड्राई लैंड पर रहने वाले? इनवर्टिब्रेट्स में हो सकते हैं, इंसेक्ट्स थे जो हवा में उड़ जाते हैं, जमीन पे भी रह लेते हैं ना, लेकिन वर्टिब्रेट्स में हड्डियों वाले जानवरों में सबसे पहले एम्फीबियंस ऐसे जानवर हैं भाई जिन्होंने ये सोचा, जैसे फ्रॉग है भाई, इसने दिमाग लगाया कि क्यों ना पानी में से निकल के जमीन पे भी देखा जाए भाई वहां जिंदगी कैसी है। लेकिन जमीन पे जिंदगी जीने में बड़ी परेशानी है, एक तो मछली जैसी स्ट्रीमलाइंड बॉडी जमीन पे नहीं चलेगी भाई, वहां तो पानी की रेजिस्टेंस को काटते हुए आगे बढ़ना है, जमीन पे जब चलना है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट शरीर को उठा के चार पैर होने चाहिए कि आप आगे बढ़ सकें। पानी में क्या है, बॉयंसी ऑफ द वॉटर सपोर्ट्स द बॉडी वेट, तो वहां पे हाथ पैर है नहीं है, कोई बात नहीं भाई चल जाएगा काम। लेकिन आप सोच के देखिए, व्हेन द एनिमल हैज टू मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, वहां पे टेट्रापॉड होना पड़ेगा, चार हाथ पैर होने चाहिए, जमीन की ग्रेविटी से अपने आप को उठा के आगे बढ़ना है। सो टेट्रापॉड होना पड़ा एम्फीबियंस को। तो मानते हैं जी ये बात कि एम्फीबियंस जो है वो टेट्रापॉड क्यों है, क्योंकि जमीन पर चल ही नहीं पाएंगे, मछली जैसा शरीर लेके थोड़े ना ऐसे आगे चल पाएंगे। स्नेक्स कैसे चलते हैं, सेकेंडरी लॉस ऑफ लिम्स है, वो भी डिस्कस करेंगे हम। चलिए जी, सो एम्फीबियंस आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हु मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, ये वाली बात पूछी जा सकती है आपसे। लेकिन मेरे बच्चे, एम्फीबियंस को एक समस्या है, जमीन पे वो कहते हैं भाई हम रह तो लेंगे, खा पी भी लेंगे, चल फिर ले भी लेंगे, लेकिन समस्या आएगी रिप्रोडक्शन में। एम्फीबियंस के अंडे बड़े नाजुक हैं, एम्फीबियंस के गैमीट्स जो हैं वो बड़े नाजुक हैं, अंडों के चारों तरफ हार्ड शेल नहीं है, दे कैनॉट ले देयर एग्स ऑन लैंड, सूख जाएंगे, डेसिकेट कर जाएंगे, खराब हो जाएंगे अंडे। तो फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन एम्फीबियंस हैव टू रिटर्न बैक टू वॉटर। फ्रॉग पानी के आसपास ही क्यों मिलता है, कई कारण है। पहला, For the purpose of reproduction, amphibians require water. Number two, कोई भी आसपास खतरा है, कोई दुश्मन है भाई फ्रॉग का हमला करने वाला है, तो फ्रॉग कहेगा मैं छपैक से पानी में कूद जाऊंगा। So, dangerous situation को avoid करने के लिए, predator से बचने के लिए पानी में चले जाएंगे। Agreed. और तीसरी बात, चमड़ी जो है उसे moist रखना पड़ेगा। जमीन पे रहने के लिए lungs तो बन गए, amphibians के पास lungs हैं, but lungs are poorly developed. पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, इसलिए चमड़ी का सहयोग लेना पड़ता है, साथ लेना पड़ता है सांस लेने के लिए। सो दे हैव थिन मॉइस्ट स्किन विदाउट स्केल्स। मछलियों वाले स्केल्स अब उन्हें नहीं चाहिए, स्किन में स्केल्स नहीं है, नाजुक है, मॉइस्ट है, स्किन के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है। दीज आर द रीजंस व्हाई फ्रॉग लिव्स क्लोज टू वॉटर।
कनीज कह रही है आज तो सही में मजा आ गया, वंडरफुल, मुझे खुद बहुत मजा आ रहा है कि आप इतना एंजॉय कर रहे हैं ये। देखिए एनिमल किंगडम ना अक्सर बच्चों को बड़ा बोरिंग सा लगता है, पहले जरा इस फ्रॉग पे नजर बनाए रखिएगा क्या करने वाला है। एनिमल किंगडम बच्चों को ना बड़ा बोरिंग लगता है क्योंकि आप साथ में ये एनिमेशन जिफ्स और फिर शायद इतनी बेहतरीन आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंचती है, इसलिए आपको एनिमल किंगडम बोरिंग लगता है। लेकिन Unacademy के इस प्लेटफॉर्म पे बायोलॉजी में कोई चीज आपको बोरिंग लगे ये मैं होने नहीं दूंगा, राइट। चलिए बात करते हैं जी आगे। एम्फीबियंस अकर इन फ्रेश वाटर एंड मॉइस्ट लैंड। एम्फीबियंस ना मैरीन वाटर में नहीं होते, ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, कोई भी एम्फीबियन आपको डेजर्ट में या मैरीन वाटर में नहीं मिलेगा, पेड़ों पे रहने वाले होते हैं। ये हाइला है, ट्री फ्रॉग, दिख रहा है ये हाइला ट्री फ्रॉग, ग्रीन फ्रॉग भी कहते हैं इसे, जी हरे रंग का है ना, ये कैसे कूद जाता है इतनी तेजी से, छलांग लगा लेता है, वंडरफुल। वी हैव 483 पीपल, कैन वी मेक इट 500 राइट नाउ। चलिए जी तापमान का जिक्र करते हैं, गौर कीजिएगा जी, फ्रॉग की स्लाइड पे छुपने जा रहा है, ये हाइबरनेशन करने जा रहा है, ये भी कोल्ड ब्लडेड जानवर है भाई, सर्दी गर्मी से इन्हें भी बचना है। सो द टेम्परेचर इज वेरिएबल, दे आर पोइकिलोथर्मल, पोइकिलोथर्मल टर्म याद रखना, पोइकिलोथर्मल कोल्ड ब्लडेड, एक्टोथर्मल शरीर का तापमान कॉन्स्टेंट नहीं है, गर्मी सर्दी ज्यादा हो जाएगी तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी तो हाइबरनेट करना पड़ेगा विंटर्स में। सो हाइबरनेशन इज द विंटर स्लीप, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो एस्टिवेशन, सो दिस एस्टिवेशन इज द समर स्लीप, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को स्लो कर लेते हैं, चमड़ी के थ्रू ब्रीदिंग हमेशा चलती रहती है, चाहे फ्रॉग पानी में चाहे पानी के बाहर है, हर समय। 499 पीपल, दैट्स वंडरफुल, लेट्स मेक इट 500, कम ऑन क्विकली 500 पार, मजेदार, अब की बार तो ये नारा लगाना है, अब की बार 650 पार, राइट, नीट में यही सोच के चलो, मैं कहता हूं 600 भी क्यों सोचना, अब की बार 650 पार, ये होना चाहिए आपका मोटिव। चलिए जी बॉडी फॉर्म, बॉडी फॉर्म में बी लॉन्ग एंड नैरो, इट कैन बी शॉर्ट एंड ब्रॉड, शरीर कई तरह का हो सकता है, लिम्बलेस एम्फीबियन भी हैं, अभी हम देखेंगे जिन्हें ब्लाइंड वर्म्स कहते हैं। बॉडी डिविजिबल है हेड नेक ट्रंक एंड टेल में, कई फॉर्म्स में नेक नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है जी। अपेंडेजेस कैसे हैं, फ्रॉग के हाथ पैर देख लीजिए जी, देर आर टू पेयर ऑफ पेंटाडक्टाइल लिम्स जिनमें डिजिट्स भी प्रेजेंट है, लेकिन राजा बेटा वो जो लिम्बलेस एम्फीबियंस हैं वो भी होते हैं, अभी हम इसमें देखेंगे। हाइंड लिम्स आर लार्जर देन फोर लिम्स इन फ्रॉग्स एंड टोड्स फॉर लीपिंग, ऐसे कूद के आगे जाते हैं ना ये, दीज आर नियरली ऑफ द सेम साइज इन सैलेमेंडर्स एंड न्यूड्स। एम्फीबिया का नाम जब आता है दिमाग में तो फ्रॉग एंड टोड ही आता है, अब जरूरी नहीं है कि एम्फीबिया में फ्रॉग एंड टोड ही है, राजा बेटा एम्फीबिया में जो है सैलेमेंडर्स भी हैं और न्यूड्स भी हैं। इधर देखो ये भी एम्फीबियन है, ये क्या है लिम्बलेस एम्फीबियन है, देखने में सांप जैसा लग रहा है, एपोडा इचथायोफिस, एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इन सम एम्फीबियंस लिम्स आर एब्सेंट, दे आर कॉल्ड लिम्बलेस एम्फीबियंस और एपोडन्स, जिम्नोफियोना भी कहते हैं इसको। क्लास एम्फीबिया के तीन ऑर्डर्स है, एपोडा, यूरोडीला, एन्यूरा। एन्यूरा में फ्रॉग्स एंड टोड्स आते हैं, एपोडा में लिम्बलेस एम्फीबियन, ये इचथायोफिस है, इसके अलावा यूरियोटिफिलस, गिग्नोप्स, साइफेनोप्स, बहुत सारे होते हैं। डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज, एम्फीबियंस में क्लॉज नहीं है, हूफ नहीं है, वेब जरूर होता है कि जैसे पानी में तैरना है, फ्रॉग की उंगलियों में जैसे आपने देखा है वेब्ड फिंगर्स हैं। इधर देखिए भाई कितना रिलैक्स करके सो रहा है ये फ्रॉग, मजे में एकदम चिल कर रहा है, देख रहे हैं आप। ऐसा चिल आपको नहीं करना है, आपको स्ट्रेस होना चाहिए थोड़ा बहुत, पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं होगा ना तो काम नहीं चलेगा ऐसे। हाँ जी मंजीत कौर, वी हैव शियान, श्वेता, पुनीता, संदीप, मौसमी, नैन्सी, जयंत, शानू, बंकिम, संदीप, अभिमन्यु, ग्रेट, वंडरफुल जी। चलो स्किन जो है मॉइस्ट है, म्यूकस एंड पॉइजन ग्लैंड्स हैं, टोड में पॉइजन ग्लैंड्स होती हैं। स्किन हाईली वेस्कुलर है और गैस एक्सचेंज के लिए यूज होती है मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में। स्केल्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट एपोडा, एपोडन्स जो हैं दे हैव माइन्यूट स्केल्स विच आर एम्बेडेड इन देयर स्किन्स स्किन, लेकिन ज्यादातर एम्फीबियंस में स्केल्स नहीं है, चमड़ी नाजुक है, चमड़ी सॉफ्ट है, गैस एक्सचेंज में मदद कर रही है। चलिए आगे एंडोस्केलेटन, इसमें आपको कोई हड्डियां नहीं रटनी है, अभी जब आपको फ्रॉग डिटेल में पढ़ाऊंगा ना तब आपको याद करनी है फ्रॉग की जो जो मेन मेन बोन्स होंगी, बोनी है एंडोस्केलेटन, राइट।
स्कल डायकोंडाइली क्या है? मतलब दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स हैं, पीछे वाली ऑक्सीपिटल बोन में ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स होते हैं, एम्फीबियन और मैमल डायकोंडाइलिक होते हैं। जिन लोगों को डायकोंडाइली का मतलब नहीं समझ आया, आप स्केलेटल सिस्टम के मेरे लेक्चर्स देखिएगा मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर में, वहां मैंने ह्यूमन स्कल एक्सप्लेन करा है, वहां आपको ये ऑक्सीपिटल कोंडाइल समझ आ जाएंगे। फर्स्ट वर्टिब्रा यानी एटलस इज स्पेशलाइज्ड टू प्रोवाइड सम मूवमेंट टू द हेड। एटलस पहला वर्टिब्रा होता है वर्टिब्रल कॉलम का, स्कल उस पर टिका हुआ है जिसके कारण मूवमेंट जो है हो पाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, अच्छा आप ध्यान से देखो, जिन शायद कभी किसी ने फ्रॉग डाइसेक्ट करा हो, ये एक्चुअल फ्रॉग डाइसेक्ट करके आपके सामने उसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है। कुछ लोग शायद नोटिस कर पा रहे होंगे, हार्ट बीट कर रहा है, फ्रॉग का हार्ट इसमें बीट कर रहा है, जरा गौर से नोटिस करके देखिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ इज लार्ज एंड आर्म्ड विद टीथ, द अपर और द बोथ द जॉज में टीथ हो सकते हैं। दांत जो है एक्रोडोंट है, एक्रोडोंट दांत वो होते हैं जो बिल्कुल सुपरफिशियली अटैच्ड हैं, आसानी से जो दांत टूट जाते हैं वो एक्रोडोंट कहलाते हैं। जैसे अगर हम मैमल्स की बात करें, ह्यूमंस हमारे में थीकोडोंट टीथ होते हैं। वी हैव राजा राम, मायरा, अर्घा, संदीप, ऋतु, शियान, मिनती, कनीज, आकाश, अनुपम, स्वाति, संदीप, आदित्य, करिश्मा, डॉली, मोहम्मद, वंशिका, कमरान, तौसीफ, रेखा, कविता। वंडरफुल जी, सो यू आर एंजॉयिंग दिस, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे हम। एम्फीबियंस यानी फ्रॉग्स एंड टोड्स आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू हैव अ ट्रू टंग। यहां पे जुबान प्रेजेंट है। ट्रू टंग वो होती है जिसमें मसल्स हैं और वो प्रोट्रूसिबल है, टंग म्यूकस से कोटेड है, और इन जानवरों में क्लोइका होता है। क्लोइका, यू नो दैट्स द कॉमन ओपनिंग जिसके थ्रू वो अंडे भी पास आउट करेंगे, यूरिन भी पास आउट कर देंगे, और अपने रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स भी पास आउट करते हैं। राइट जी, मयूर। ओके नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा आप देख पा रहे हैं, कभी आपने फ्रॉग को ऐसे करते देखा है? ये वोकल सैक्स जिन्हें हम कह देते हैं, हम कहते हैं मेंढक टर्रा रहे हैं, राइट, वो जो टर्राने वाली आवाज करते हैं मेंढक, शायद आपने देखा होगा, जनरली बारिश के सीजन में आपने देखा होगा ऐसा। सो गैस एक्सचेंज जो है एम्फीबियंस में यूनिक है, ध्यान रखना। लंग्स होते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लेकिन लंग्स उनके पुअरली डेवलप्ड है। एक्वेटिक फॉर्म्स जो है एम्फीबियंस की, लार्वल स्टेजेस जो है उनमें गिल्स होती हैं, स्किन भी है, स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, लाइनिंग ऑफ बक्को फेरेंजियल कैविटी, बक्कल कैविटी की जो लाइनिंग है उससे भी वो गैस एक्सचेंज करते हैं। गिल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्वे बट दे मे परसिस्ट इन एडल्ट्स ऑल्सो। कई एम्फीबियंस ऐसे हैं जिनमें एडल्ट्स में भी गिल्स परसिस्ट करती हैं, वैसे लार्वल स्टेजेस में तो गिल्स होती ही है। ठीक है बेटा, सो रेस्पिरेशन का अगर पूछा जाए, गैस एक्सचेंज का, लंग्स पुअरली डेवलप्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लाइनिंग ऑफ बक्को फेरेंजियल कैविटी, अपने मुंह में हवा भर के जैसे फ्रॉग ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, बिकॉज बक्कल कैविटी की लाइनिंग हाईली वेस्कुलर है, गैस एक्सचेंज हो जाता है वहां पे। चलिए, स्किन भी है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और गिल्स भी है। हार्ट यहां पे थ्री चैम्बर्ड है, दो ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल। मछलियों में वेनस हार्ट था, एक ओरिकल एक वेंट्रिकल, यहां पे दो ओरिकल और एक वेंट्रिकल। सो ये एक एडवांसमेंट है ओवर द टू चैम्बर्ड हार्ट ऑफ द फिशेस। वेंट्रिकल पंप्स आउट द मिक्स्ड ब्लड, लेकिन ब्लड यहां भी मिक्स्ड पंप हो रहा है। यू कैन सी द राइट एट्रियम, यू कैन सी द लेफ्ट एट्रियम, एंड देन देयर इज वेंट्रिकल, राइट, एंड द वेंट्रिकल इज पंपिंग ब्लड। क्लियर, सो हार्ट थ्री चैम्बर हो गया। अच्छा अब यहां पे देखो, फ्रॉग का डाइसेक्शन करते हुए ये वीडियो बनाया गया है। कैन यू सी दिस हार्ट विच इज बीटिंग, राइट, पूरा कटाफटा पड़ा है फ्रॉग, दिल धड़क रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें मायोजेनिक हार्ट होता है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब समझते हैं आप, मायोजेनिक हार्ट वो होता है बेटा, मायोजेनिक हार्ट इज द वन इन विच द हार्ट बीट ओरिजिनेट्स विद इन द स्पेशलाइज्ड मसल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के अपने मसल्स जो है वो पेसमेकर बना देते हैं। सो देखते हैं जी, साइनस वेनोसिस, ट्रंकस आर्टेरियोसिस यानी एडिशनल चैम्बर्स प्रेजेंट है हार्ट में, रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है, आरबीसीज ओवल है और आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। ठीक है जी, क्लियर है इतने पॉइंट्स, आगे बढ़ सकते हैं राजा बेटा। हाँ जी, आप लिख रहे हैं हाउ इज इट इज पॉसिबल, क्यों नहीं है पॉसिबल बच्चे, दिल तो धड़क ही रहा है, जब तक दिल को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन मिल रहा है वो धड़कता रहेगा। क्रेनियल नर्व्स, यहां भी 10 पेयर है, क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, ये जो पिन्ना है एक्सटर्नल ईयर सिर्फ बर्ड्स एंड सॉरी मैमल्स में है, सिर्फ पिन्ना इज अ फीचर ऑफ मैमल्स। यहां पे सिंगल ऑडिटरी ऑसिकल है मिडल ईयर में, टेम्पेनम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कान का पर्दा जिसे हम कहते हैं वो प्रेजेंट है। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन जो फिशेज में भी थे, दे आर प्रेजेंट इन लार्वे एंड इवन इन दी एक्वेटिक एम्फीबियंस जो कॉन्टिन्यूसली एक्वेटिक ही रहते हैं, राइट।
नेक्स्ट जी, एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनीज, वर्टिब्रेट्स का जिक्र हो रहा है, सभी वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन के लिए किडनीज प्रेजेंट होती हैं, सो एक्सक्रीशन इज बाय अ पेयर ऑफ किडनीज, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया इन द लार्वल फॉर्म, इंपॉर्टेंट, लार्वल स्टेजेस ऑफ एम्फीबियंस आर अमोनोटेलिक बिकॉज वो पानी में है, अमोनिया रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर रिमूवल, यूरिया एडल्ट्स में, यूरियोटेलिज्म, क्लियर है, यूरिनरी ब्लैडर हमने देखा यहां पर इन जानवरों में प्रेजेंट है यूरिन स्टोर करने के लिए, सो एक्सक्रीशन किडनीज, लार्वल स्टेजेस अमोनिया, एडल्ट एम्फीबियंस यूरियोटेलिक, वंडरफुल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अच्छा यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा है एम्प्लेक्सिस, एम्प्लेक्सिस इज अ टाइप ऑफ कॉपुलेशन जो हम कह देते हैं इनमें, और ये जेली लाइक स्ट्रक्चर में ढेर सारे अंडे रिलीज हो रहे हैं, इनके गैमिट्स रिलीज हो रहे हैं, ये कैन यू सी राइट, कितनी खूबसूरत जो है ये वीडियो बनाई गई है, गोनोडक्ट्स जो है दे लीड इनटू क्लोएका, क्लोएका में गए गैमिट्स, सेक्सेस सेपरेट है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल फीमेल फ्रॉग देख के कुछ डिफरेंसेस आप पहचान सकते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है इनमें कोई भी, राइट, नुपचियल पैड होते हैं, द मेल होल्ड्स द फीमेल ड्यूरिंग द कॉपुलेशन एंड दैट इज एम्प्लेक्सिस, और उसके बाद वो अपने गैमिट्स जो है वो रिलीज कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, अच्छा अब यहां पे देख लीजिए फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नली है भाई इन जानवरों में, इंटरनल होती है सेलेमेंडर्स में, सेलेमेंडर्स एंड न्यूट्स जो है उनमें इंटरनल है, कुछ सेलेमेंडर्स ऐसे हैं जिनका बड़ा ही लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है, सेलेमेंडर एट्रा, सेलेमेंडर मैक्यूलोसा, दे हैव द लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड, अंडे देने वाले हैं ओवीपैरस, कुछ फॉर्म्स हैं जो ओवोविविपैरस है, जैसे सेलेमेंडर्स हो गए, टेडपोल लार्वा होता है फ्रॉग की हिस्ट्री में, टेडपोल लार्वा इट अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट, क्लियर है जी, हार्दिक अनुष्का डॉली मायरा खुशी अनुष्का अभिमन्यु जावेद तौसीफ जिफ्रा प्रेरणा शानू बुशरा मोहम्मद आजिम डॉक्टर भरत ग्रेट, चलिए आगे देखते हैं जी पेरेंटल केयर, अच्छा ये बड़ी खूबसूरत सी स्लाइड है ये वाली तो मैं खास करके दिखाना चाहूंगा आपका, ये आप देखिए बहुत सारे एम्फीबियंस हैं जो पेरेंटल केयर शो करते हैं जिसमें से मिडवाइफ टोड एलाइट्स कैरीज एग्स अराउंड द थाइज, ये वाला इधर येलो वाला जो है सूरीनेम टोड या पीपा कैरीज द एग्स इन द स्पेशलाइज्ड पिट्स ऑन द बैक, ये जो फ्रॉग है उसकी पीठ पे छोटे छोटे गड्ढे बने हुए आपको दिख रहे हैं और उसमें उसके यंग वंस हैं, ये देखो उसकी पीठ में से छोटे छोटे बेबीज निकल रहे हैं, ये स्ट्रेंज, ऐसी एक गैस्ट्रोथीका भी होता है मार्सुपियल फ्रॉग, वो क्या करता है अपने फर्टिलाइज अंडे खा जाता है, द फ्रॉग स्वेलोज द फर्टिलाइज्ड एग्स एंड द लार्वे कम्स आउट थ्रू द माउथ, वो और भी ज्यादा वियर्ड लग रहा है, सो एम्फीबिया में बड़े अजीब अजीब किस्म के फ्रॉग आपको मिलेंगे, कई ऐसे भी हैं जो इतने ज्यादा पॉइजनस है, डेंड्रोबेट्स है, फायर वैली टोड है, ओरिजिन एम्फीबियंस जो है दे हैव इवॉल्व फ्रॉम लंग ब्रीदिंग लोब्ड फिन बोनी फिशेस, their paired fins had a fleshy lobe and gave rise to limbs, this ancestral group at present is represented by living fossil Latimeria, coelocanth ya living fossil jise keh dete hain Latimeria, so yahan se amphibians ka origin hua hai, clear hai ji, kitna amazing parental care wali baat thi ki wo apni peeth pe fertilized eggs ko carry kar rahe hain, amphibians ki kuch advancements hain, पेंटाडक्टाइल लिम्स हैं, आईलिड्स हैं, टीयर ग्लैंड्स हैं, मिडल ईयर है, ट्रू टंग है, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स और दो ऑरिकल्स हैं, दीज आर द एडवांसमेंट्स ऑफ एम्फीबियंस ओवर फिशेस, क्लियर मेरे राजा बेटा राइट ठीक है जी, चलो एग्जांपल्स देखो इधर, कुछ कुछ एग्जांपल्स तो मैंने साथ साथ बता दी राइट, जो और याद रखनी है आपको इच्थायोफिस That is blind worm, apodon, limbless amphibian भी कहते हैं, Nacturus, mud puppy, Proteus, blind cave salamander, Amphiuma, Congo eel, याद रखना, Proteus and Amphiuma salamander, they have the largest RBCs in the entire animal kingdom, Salamandra, spotted salamander, Rana tigrina, Indian frog, ब्यूफो ब्यूफो मेलवेरिकस ब्यूफो की जो अलग अलग स्पीशीज है इंडियन टोड रेकोफोरस फ्लाइंग फ्रॉग उड़ने वाला फ्रॉग मेंढक देखा एक्चुअल में उड़ने वाला क्या है ये ग्लाइड कर जाता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ में बड़ी लंबी छलांग लगा लेता है राइट जिन्होंने अभी तक नहीं दबाया है जी लाइक का बटन जल्दी से लाइक का बटन दबाइए जिफ्रा कह रही है अमेजिंग लेक्चर थैंक यू सो मच वंडरफुल और मैं फिर से बता दूं जो बच्चे प्लस पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 3 मंथ्स का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके आप मेरे क्रैश कोर्स में आ जाइए आप मेरे नाम का कोड यूज करेंगे कोड है सचिन
लाइव सपने सच करने हैं तो सचिन लाइव कोड यूज कीजिए। टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप आपके सेलफोन में होना जरूरी है, इसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और बेहतरीन लेक्चर्स हम आपके लिए लेके आएंगे। #NEET LIVE DAILY के साथ आप हमारे लेक्चर्स को सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। लेक्चर आपको बेहतरीन लगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड अपने जब आप YouTube पे अपलोड हो जाएगा तो कमेंट्स भी मुझे चाहिए आपके, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर दीजिएगा। तौसीफ, युक्ता, मिनती, जयंत, संदीप, हरिओम, सोनी, वंडरफुल जी, ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं। इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी, जेईई, फाउंडेशन के लिए अनअकैडमी फाउंडेशन। 11th क्लास के चैप्टर्स हम आपके साथ कवर करते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, क्लास 12th के चैप्टर्स होते हैं फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। कोड कौन सा यूज करना है फिर से बता रहा हूं, सचिन लाइव किसके लिए, 3 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए। आप ये कोड चाहे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले उसमें भी चलेगा, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले उसमें भी चलेगा। कौन से बच्चे 1 ईयर का लेंगे, जो 11th से 12th में आ गए हैं उनके लिए भी बैचेस चल रहे हैं, जो 10th से 11th में आने वाले हैं उनके लिए 2 ईयर का कोर्स है, राइट मेरे राजा बेटा। चलिए जी, अब आपके साथ बाय बाय करने का वक्त आ गया है, लेकिन 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 उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, कमिंग अप नेक्स्ट इज व्हाट, फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें आज क्या डिस्कस होने वाला है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो आपके ऑल टाइम फेवरेट महेंद्र बाहुबली सर आज भी कुछ ना यंत्र मंत्र तंत्र अपने लेकर के आए हैं, जो आपको ये बेहतरीन लेक्चर आज समझाने वाले हैं। सो कहीं जाइएगा मत, जल्दी से फ्लूइड इंटेक करके, पानी वानी, चाय कॉफी, ठंडा लस्सी, जो भी आपने पीनी है वो पी करके आप वापस लौट आइए जी, और फ्लूइड मैकेनिक्स का ये बेहतरीन लेक्चर अटेंड कीजिए। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।